जरूरत पर सब यार होते हैं, जरूरत ना हो तो पलटकर वार होते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, बच के रहना, क्योंकि ज्यादातर नेता गद्दार होते हैं। विपक्षी दलों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसमें नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी जा रही। नीतीश ने गठबंधन को जोड़ना इसलिए शुरू किया था जिससे मोदी के सामने एक मजबूत गठबंधन खड़ा किया जा सके। कामयाब भी हुए लेकिन हासिल होते हुए कुछ नजर नहीं आ रहा। हालात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली लग रही है। इस बात से इतर अमित शाह बिहार पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आधा दर्जन दौरे कर चुके हैं। बिहार में मामला छोटा हो या फिर बड़ा, वो खुद उस मामले को हैंडल करते हैं। नतीजा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। विपक्ष की भी पैनी नजर बिहार पर है। नीतीश राष्ट्रपति के डिनर में पहुंचे थे, मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करवाई, तो विपक्ष के भी इस मुलाकात को देखकर कान खड़े हो गए और संभावनाएं राजनीति का दौर शुरू हो चला है। और बिहार की मौजूदा संभावना कहती है कि बिहार में लालू राहुल की टेंशन अब बढ़ने वाली है। नीतीश ने कहा हैप्पी बर्थडे मोदी जी, राष्ट्रपति के डिनर में मोदी से जुगलबंदी, मोदी के साथ नीतीश की बढ़ी नजदीकी। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार की राजनीति में जब तक नीतीश कुमार एक्टिव रहेंगे तब तक संभावनाएं राजनीति प्रबल रहेगी। कुछ दिन पहले अमित शाह ने बिहार का दौरा किया था। इससे पहले 5 दौरों में अमित शाह जब भी बिहार गए तो उनके तेवर तल्ख नजर आए, लेकिन छठे दौरे को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि शाह के तेवर और क्लेवर दोनों ही नरम थे। तो सवाल उठा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वजह ढूंढी तो पता चला कि नीतीश कुमार इसकी वजह है, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में साथी तो कई ढूंढ लिए पर कोई भी उतना मजबूत नेता नहीं है जो नीतीश की खाली पड़ी जगह को भर सके। इसलिए इस दौरे पर छींटा कसी कम की गई और सलाह ज्यादा दी गई। इस दौरे से पहले हुए 5 दौरों पर अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन इस दौरे पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। हालांकि इस बात से आश्चर्य जरूर पैदा होता है। G20 के बाद बदली तस्वीर, डिनर राष्ट्रपति का था खिचड़ी, मोदी नीतीश की पक रही थी। नीतीश कुमार ने जब से NDA का साथ छोड़ा है, शाह हमलावर हैं, भाषा और छींटा का सी चरम पर थी। यहाँ तक कहा गया कि नीतीश के लिए NDA के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अगर वो आना भी चाहते हैं तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, वो दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हरिवंश नारायण के जरिए एक खिड़की नीतीश कुमार ने NDA में बीजेपी में खुली छोड़ी है। लेकिन G20 में जो खाना खाया गया वो लगता है लजीज साबित हुआ। डिनर में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रपति भवन से न्योता भेजा गया था और बीजेपी सरकार के कुछ मुख्यमंत्रियों ने डिनर में शामिल होने से परहेज किया, लेकिन नीतीश कुमार शामिल हुए। अरसे बाद ये पहला मौका था जब PM नरेंद्र मोदी से नीतीश का आमना सामना हुआ था। न सिर्फ दोनों मिले बल्कि जिस अंदाज में उनकी तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर नीतीश के साथ ही सहयोगियों के कान खड़े होना लाजमी था। PM मोदी और नीतीश कुमार कभी हंसते मुस्कुराते साथ दिखे तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से CM नीतीश कुमार को PM नरेंद्र मोदी मिलवाते हुए नजर आए। उसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच अमित शाह बिहार आए तो उनकी जुबान से नीतीश कुमार के बारे में कड़वे शब्द नहीं निकले जो अक्सर निकल ही जाते थे। हालांकि इस दौरे पर शाह ने बिहार में जल्दी चुनाव के संकेत भी दिए। वक्त से पहले होंगे बिहार में चुनाव। इस दौरे पर शाह ने ये कह दिया कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव करवाए जाएंगे। ये कहानी एक देश एक चुनाव से जुड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि मोदी सरकार ऐसे 12 राज्यों की सूची तैयार कर चुकी है जिनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव होने हैं और कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे सभी राज्यों को मिलाकर इनकी संख्या 12 होती है और इन सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ एक देश एक चुनाव कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में शाह ने बिहार में इस बात का जिक्र कर एक बार फिर से एक मुद्दे को हवा देने का काम किया है। इस बात को नीतीश कुमार
भी कबूलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। इस मुद्दे पर दोनों की जबान मेल खाती है, दोनों की एक राय देखने को मिलती है। दोनों की एक बात बोलना क्या महज एक संयोग हो सकता है, क्योंकि शाह के बयान के बाद नीतीश मेल होने वाली संभावना पर पलीता लगा देते हैं, क्योंकि शाह ने कहा था कि नीतीश लालू का गठबंधन तेल और पानी की तरह है जिसका मेल नहीं हो सकता और तेल पानी को भी गंदा कर सकता है। यहाँ तेल लालू को बताया गया और पानी नीतीश कुमार को बताया गया, लेकिन इतनी नरमी के बाद भी नीतीश के तेवर सख्त दिखाई दिए। इस बयान के बाद नीतीश ने कहा कि शाह को बिहार या फिर देश की राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, वो ऐसे ही अंडमंड बोलते हैं। लेकिन इसके बाद नीतीश ने मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई भी दी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। जब से मुंबई मीटिंग खत्म हुई है और नीतीश को वहाँ कोई भाव नहीं मिला, तब से बिहार की राजनीति सुलग रही है। लोगों का कहना है कि अब गठबंधन में नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा। उसके बाद राष्ट्रपति के डिनर में मोदी नीतीश की मुलाकात ने उस चिंगारी को भड़का दिया जो अभी सिर्फ सुलग ही रही थी। इसलिए ऐसा कहा भी जा रहा है कि जिस नीतीश को शीर्ष पर रहना पसंद है, उन्हें अब तक गठबंधन में पद तो छोड़िए भाव नहीं मिल रहा, उनके सुझाव नहीं माने जा रहे। इस बात का खुलासा उनके पुराने साथी प्रशांत किशोर और पीके ने किया है। इस बात से अलग एक बात और भी है जिसकी चर्चा जोरों पर है, और वो ये है कि बीजेपी ने आखिरी वक्त तक सीटें बचाकर रखने का फैसला किया है, और ये सीटें बचाकर रखी गई हैं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश के लिए बचाई 10 सीटें। बिहार में अब तक शाह उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ चुके हैं, जीतन राम मांझी का भी साथ ले चुके हैं, लेकिन नीतीश के कद का कोई नेता अब तक बीजेपी के साथ नहीं है। खुद बीजेपी के अंदर भी इस कद का कोई नेता नहीं है, इसलिए खबरें ऐसी हैं कि बीजेपी ने 40 में से 30 सीटें अपने लिए रखने का फैसला किया है और 10 सीटें देर सवेर आने वाले नीतीश कुमार के लिए रखी गई हैं। क्योंकि अगर आने वाले वक्त में हालात बदलते हैं तो 10 सीटों से नीतीश को संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है, और 10 सीटों के साथ उन्हें संतुष्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार 17 सीटें 2019 के चुनाव में जीत चुके हैं। बीजेपी का जो आजकल रवैया है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भले ही विपक्ष को जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया हो, लेकिन बीजेपी एक आखिरी रास्ता अभी भी लेकर चल रही है। उसे कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार बिहार में उनके साथी बन सकते हैं, कि अगर किसी सूरत में नीतीश कुमार आते हैं तो उन्हें हर सूरत में एडजस्ट किया जा सके। आपको क्या लगता है, नीतीश मोदी के साथ जाएंगे या नहीं, और बीजेपी को उन्हें साथ लेना भी चाहिए या फिर नहीं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।